बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सेकंड क्लास की ही हिंदी का पाठ 3, जिसका नाम है माँ का प्यार। देखो बच्चों, हम सब लोगों को पता है कि हमारी मम्मी हमें कितना प्यार करती है। हम लोगों को स्कूल जाने के लिए तैयार करती है, हमारे लिए लंच बनाती है। अगर हमें गलती से कहीं चोट लग जाती है तो हमारा ट्रीटमेंट करती है। हमारी सारी अच्छी बुरी आदतों का ध्यान रखते हुए हमारा ख्याल रखती है। हमारी अच्छी बुरी आदतों का सुधार करती है। हमें कोई बुरी आदत है तो उसमें भी उनको फिक्र रहती है, उसका सुधार हमेशा वो करती हैं। इस कहानी में एक गाय होती है और उसका एक छोटा बछड़ा होता है। वो एक तेंदुआ आता है और उसे उठा ले जाता है, और उस बछड़े को बचाने के लिए गाय भी उसके पीछे पीछे जाती है और तेंदुए के साथ बहुत संघर्ष करती है, और आखिर में उसका बच्चा बच जाता है, यानी कि उसका बछड़ा बच जाता है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का पाठ पढ़ना। कुछ वर्ष पहले की बात है, एक गांव में एक तेंदुआ आया करता था। मतलब बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक तेंदुआ यानी कि लेपर्ड आया करता था। उसके उत्पात से लोग परेशान थे, यानी कि तेंदुए के आतंक से, उसकी शैतानियों से लोग बहुत परेशान थे गांव के। तेंदुआ रात के समय गांव में आता और प्राय बछड़ों और कुत्तों को उठा ले जाता। मतलब तेंदुआ रात के समय में आता और प्राय सुबह होते होते वो प्राय बछड़ों यानी कि गाय का बच्चा और कुत्तों को उठाकर ले जाता। मतलब वो छोटे छोटे बच्चों को, छोटे जानवरों को अपने मुंह में भर के ले जाता था और उन्हें खा जाता था। वह उन्हीं पशुओं का शिकार किया करता था जिनके सींग नहीं होती थी। मतलब वो तेंदुआ जो था वो उन्हीं उन्हीं जानवरों को खा जाता था, छोटे छोटे को, जिनके सींग सिर में नहीं होते थे। जैसे गाय बड़ी होती है तो उसके सींग होते थे तो उनको नहीं खाता था। अब जैसे बछड़ा बछड़ी या छोटे कुत्ते जो होते हैं वो उसके मुंह में आसानी से आ जाते थे और उनके सींग नहीं होते थे तो वो उनको उठाकर ले जाता था। रात के करीब 8 बजे का समय था। एक आदमी ने गाय धोकर बछड़े को माँ का दूध पीने के लिए छोड़ दिया, यानी कि रात के 8 बजे थे और एक आदमी ने जिसकी गाय थी उसका दूध धोकर, यानी कि दूध निकाल कर बछड़े को दूध पीने के लिए छोड़ दिया। यानी कि रात 8 बजे एक आदमी ने अपनी गाय का दूध धो लिया, यानी कि निकाल लिया और बछड़े को दूध पीने के लिए गाय के पास छोड़ दिया। तभी दुष्ट तेंदुआ आ पहुंचा। तभी मतलब वहां पे जैसे ही वो बछड़ा दूध पीने गया और आदमी अंदर चला गया, वो दुष्ट यानी कि बेकार शैतान तेंदुआ वहां आकर पहुंच गया और झट बछड़े को लेकर चलता बना और झट से उस बछड़े को उसने पकड़ा और वहां से चला गया, भाग गया। यह देख गाय ने रस्सी तुड़ाकर तेंदुए का पीछा किया, और जैसे ही तेंदुए ने बछड़े को पकड़ा तो गाय जो थी, जो बछड़े की माँ थी, वो रस्सी को तोड़ने की कोशिश की और जल्दी से रस्सी तोड़कर उसके पीछा पीछे पीछे भागने लगी। वह आदमी जब थोड़ी देर बाद बछड़े को बांधने आया, तो उसने देखा कि गाय और बछड़ा दोनों गायब है। अब बच्चों, वो जैसे बछड़े को छोड़ के चला गया दूध पीने के लिए, वो थोड़ी देर बाद बछड़े को बांधने के लिए आया, तब उसने देखा कि ना तो बछड़ा है और ना ही वहां पर गाय है। जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों, एक गाय का बच्चा है, वो गाय उसको बचाना चाहती है और तेंदुआ उसे झपट रहा है और गाय उसे अपने सींगों से दूर कर रही है, यानी कि गाय तेंदुए से संघर्ष कर रही है किसके लिए, अपने बच्चे के लिए। उसे शक हो गया कि बछड़े को तेंदुआ उठा ले गया है, और जैसे ही वहां पे उस आदमी ने देखा कि ना वहां पे गाय है और ना वहां पे बछड़ा है, तो उसे शक हो गया कि बछड़े को शायद तेंदुआ उठाकर ले गया, और गाय भी तेंदुए से डरकर रस्सी तुड़ाकर भाग गई। मतलब उस आदमी ने ये सोचा कि बछड़े को तो तेंदुआ उठाकर ले गया और गाय जो थी वो तेंदुए से डरकर वहां से भाग गई है। उस आदमी ने सहायता के लिए अपने पड़ोसी को पुकारा। मतलब वो व्यक्ति जो था, जो गाय का मालिक था, उसने अपनी मदद के लिए यानी कि सहायता के लिए अपने पड़ोसियों को, जो उसके आसपास रहते थे, उनको पुकारा, यानी कि उनको आवाज लगाई, उनको बुलाने की कोशिश की, उनको बुलाना चाहा। दो तीन आदमी टॉर्च और लाठियां लेकर गाय और बछड़े को ढूंढने निकले, और जैसे ही उसने पुकारा तो दो तीन आदमी बाहर निकले अपने घरों से, और टॉर्च यानी कि जो बैटरी होती है बच्चों, जो उजाला करती है गाँव में, या अपन भी लाइट चली जाती है तो यूज करते हैं उजाले के लिए, वो लेकर आए
और लाठिया यानी कि डंडे, ताकि अगर मिल जाए रास्ते में तेंदुआ तो उसे मार सके, और बछड़े को ढूंढने निकले। ढूंढने यानी उसे खोजना, उसे सर्च करना। वो टॉर्च और लाठिया लेकर बछड़े को ढूंढने निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते लोग जंगल में घुसे, और गाय और बछड़े को ढूंढते ढूंढते वो कहाँ घुस गए, जंगल में पहुंच गए। उनकी नज़र बछड़े पर पड़ी और उन्होंने अचानक से देखा कि वहां पर बछड़ा था। उन उसके निकट गाय पहुंच चुकी थी, और उन लोगों ने देखा कि उस गाय के बछड़े के पास में गाय भी पहुंच चुकी थी वहां पे उनके आने से पहले। गाय तेंदुओं को सींगों से मार मार कर दूर हटा रही थी, और उन्होंने ऐसे देखा कि जो गाय है वो अपने बछड़े को यानी कि अपने बच्चे को बचाने के लिए और तेंदुओं को अपने सींगों से मार मार कर उसको दूर भगाना चाह रही थी, उसको दूर हटा रही थी ताकि वो तेंदुआ उसे खा ना पाए। लेकिन तेंदुआ बछड़े को गाय से छीनने पर लगा था, लेकिन गाय के सींगों से मारने के बाद में भी तेंदुआ उस छोटे से बछड़े को मारने पे यानी कि उसको खाने पर तुला हुआ था। बार बार गाय के सींग मारने के बाद में भी वो नहीं हट रहा था। देखो बच्चों, इस डायग्राम में यानी कि इस चित्र में हम देख सकते हैं कि ये तेंदुआ लेपर्ड इस छोटे से बच्चे को छीनना चाहता है गाय से। गाय इसे अपने सींगों से हटा रही है, और जो ग्रामवासी है यानी कि जो गांव के लोग हैं और जो गाय का मालिक है वो यहाँ पर टॉर्च और लाठियाँ लिए हुए इन बच्चों को और इस गाय को और इस बछड़े को बचाना चाहते हैं। आगे पढ़ते हैं बच्चों हमारी कहानी को। लोगों ने तेंदुओं को लाठियाँ मार मार कर भगाया, यानी कि जो लोग आ गए थे वहाँ पे और उन्होंने देखा कि गाय तेंदुओं को सींग से मार रही है और अपने बच्चों को बचाना चाहती है, तो लोगों ने तेंदुओं को लाठियां मारकर भगाया। लोग जो आदमी के गाय के मालिक के साथ आए थे उन्होंने लाठियां मारी तेंदुओं को और उसे वहां से भगा दिया, और गाय तथा बछड़े को घर वापस लाए, और गाय और उसका जो बच्चा था बछड़ा उसे घर वापस लेकर आए। जब तक लोग वहां नहीं पहुंचे थे, मतलब जब तक वहां पर लोग नहीं पहुंच पाए थे और गाय वहां पहुंच गई थी, गाय तेंदुए का डटकर मुकाबला करती रही थी। यानी कि जो गाय थी वो अपने बच्चे को बचाने के लिए वहां पर बिल्कुल बराबर डटकर उसका सामना करती रही थी। जैसे ही तेंदुआ उस बछड़े के पास आता, गाय उसे अपने सींग से मारकर दूर भगा देती। जैसे हमारी माँ हमें प्यार करती है, जैसे कि बच्चों आप सबकी माँ और हमारी माँ हम सबको प्यार करती है, वैसे भी वो गाय उस बच्चों को बहुत प्यार करती थी। इसीलिए अपनी जान की फिक्र ना करते हुए वो तेंदुए से लड़ रही थी उस बच्चे को बचाने के लिए। ठीक उसी प्रकार पशु भी अपने बच्चों को प्यार करते हैं। जैसे हमारी माएँ हम लोगों को बच्चों प्यार करती है, वैसे ही सारे पशु जो होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनको भी वो बहुत प्यार करती है। पशु भी अपने को संकट में डालकर अपने अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, और जो पशु पक्षी जो होते हैं वो भी अपने आप को समस्या में या परेशानी में डालकर भी अपने बच्चों को हमेशा सेव रखना चाहते हैं और बचाना भी चाहते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, जैसे चिड़िया होती है तो वो अपने बच्चों को मुंह में रख लेती है या उन्हें मुंह में लेकर ही उड़ती है, और जो बच्चे उड़ नहीं पाते उनके लिए वो दाना भी खुद लेकर आती है। माँ का प्यार पशु पक्षियों में भी पाया जाता है, और इस कहानी में हम देख सकते हैं कि जो माँ का प्यार होता है वो सिर्फ इंसानों में ही, हम जैसे लोगों में ही नहीं होता। पशु यानी कि जानवर, गाय, भैंस और भी जानवर होते हैं, जैसे शेर, शेरनी अपने बच्चों को प्यार करते हैं, और भी बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं जैसे मोर, चिड़िया वगैरह, वो भी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। तो बच्चों इस कहानी में हमने क्या देखा कि माएँ जैसे अपने बच्चों को प्यार करती हैं, वैसे भी पशु पक्षी और जानवर भी अपने बच्चों को उतना ही प्यार करते हैं। जैसे हमारी माएँ बोल पाती हैं बस वो अपनी भाषा में बोलते हैं और उनसे उस उनके तरीके के अनुसार प्यार करते हैं। जैसा कि हमने इस कहानी में देखा, एक गाय जो अपने बछड़े को अपने बच्चों को इतना प्यार करती है कि उसे जानवर ले जाने के बाद भी उसने अपनी जान की फिक्र ना करते हुए, अपनी परेशानी की फिक्र ना करते हुए उसने बहुत मेहनत की, उस रस्सी को तोड़ा और वो तेंदुए के पीछे पीछे दौड़ी, और उसके बाद अपने बच्चों को साइड में करते हुए मतलब अलग अपने पास में खड़ा करते हुए वो तेंदुए से लड़ती रही। जैसे ही तेंदुआ अपने पास आता उसके पास आता बछड़े के पास वो सींग मारकर उसे दूर हटाती रही। तेंदुआ बार बार आता गया पर गाय ने कभी हिम्मत नहीं हारी, और तेंदुआ तेंदुए
तेंदुओं को बार बार मारती रही, यानी कि उसका सामना किया उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है बच्चों कि सभी माएँ अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, या अपनी तरह मनुष्य हो। चलिए बच्चों, अब हम इसका शब्द बोध, वर्ड पावर यानी कि कठिन शब्दों का अर्थ पढ़ते हैं। तेंदुआ यानी चीते जैसा दिखने वाला एक जंगली जानवर, चीते जैसा एक जंगली जानवर, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लेपर्ड बोलते हैं। उत्पात, उपद्रव, आतप, आफत यानी कि मिसचीफ, परेशान, घबराए हुए, वरिड यानी डरा हुआ या घबराए हुए। दूहना यानी कि गाय भैंस आदि का दूध निकालना, टू मिल्क। शक होना, शंका या संदेह होना, टू डाउट और या फिर सस्पेक्ट। ढूंढना यानी कि खोजना, टू सर्च। संकट यानी कि मुसीबत, ट्रबल। रक्षा करना यानी बचाव करना, टू प्रोटेक्ट। चलिए बच्चों, अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं अपन। क्वेश्चन है, उल्टे अर्थ वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए और लिखिए, यानी कि विपरीत अर्थ वाले, इसके जो विलोम शब्द है उनको अपन को इनमें से ढूंढ के यहाँ पे लिखना है। जैसे कि गांव का, तो गांव का इसमें दिया हुआ है ग्राम। बच्चों ग्राम एक समानार्थी शब्द है, गांव को ग्राम भी बोलते हैं। दूसरा है नगर, नगर का अर्थ होता है बच्चों शहर, तो गांव का उल्टा क्या होगा, शहर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नगर। गाय, गाय का यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों बैल, और ये क्या लिखा हुआ है, धेनु। तो बच्चों धेनु यानी तो क्या होता है, गाय ही होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैल, जो उसका उल्टा अर्थ है, विपरीत है या विलोम शब्द है। आदमी, आदमी का यहाँ क्या लिखा हुआ है, मनुष्य, और यहाँ पे लिखा है औरत। तो बच्चों और मनुष्य जाति को बोलते हैं, जैसे कि हम मनुष्य है तो मनुष्य उसके लिए यूज किया जाता है, लेकिन आदमी का विलोम शब्द क्या होगा, औरत। तो हम यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे, औरत। माँ, माँ का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, माता। तो बच्चों माँ का समानार्थी शब्द माता है, तो हम इसका विलोम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पिता। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, पिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, तालिका की सहायता से उपयुक्त वाक्य बनाइए। मतलब ये जो तालिकाएं दी हुई हैं, इसकी सहायता से हमें पूरी लाइन बनानी है। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल उदाहरण दिया हुआ है, तेंदुआ बछड़े को ले भागा, यानी कि तेंदुआ बछड़े को लेकर भाग गया। उसी तरह हम दूसरा बनाएंगे, गाय ने तेंदुए को सींगों से मारा। तो क्या बन गया ये, गाय ने तेंदुए को सींगों से मारा। आदमी ने पड़ोसी को पुकारा, मतलब पूरा सेंटेंस क्या बन गया, ये वाक्य क्या बन गया बच्चों, कि आदमी ने पड़ोसियों को पुकारा, यानी कि पड़ोसियों को आवाज लगाई। माँ का प्यार पशु पक्षियों में भी पाया जाता है, तो ये वाक्य क्या बन गया बच्चों, कि माँ का जो प्यार होता है वो सिर्फ मनुष्य में ही नहीं, पशु और पक्षियों यानी कि जानवरों और चिड़िया वगैरह जो पशु पक्षी होते हैं ना, पशु यानी गाय भैंस और पशु पक्षी यानी कि जो चिड़िया मोर वगैरह जो होते हैं उनमें भी पाया जाता है। तो इसमें आपको वाक्य बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ऊंचे स्वर में बोलकर पढ़िए तथा समझिए। अब बच्चों इसमें ये डे डे से डमरू वाला है और इसमें ये ढ से ढक्कन वाला है। हमें इनमें इन शब्दों को ऊंचे स्वर में पढ़ना है ताकि हमें इसका डिफरेंस समझ में आ जाए। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं, डट कर यानी कि डट कर, परेड यानी कि परेड, डाक घर यानी कि डाक घर, डबल रोटी यानी कि डबल रोटी। इसमें हमने क्या देखा बच्चों, कि इसमें जो डे से डमरू वाला होता है उसे हम डे बोलने से पहले थोड़ा, मतलब उसे डे थोड़ा लंबा बोलते हैं, जैसे डट कर, उसमें डे पे हम ज्यादा ज्यादा वजन दे रहे हैं कि उसे ज्यादा अच्छे तरीके से दबाव दे के बोलना है। अब दूसरा आता है बच्चा बछड़ा यानी कि बछेड़ा, तो इसमें भी देखो उसमें आखिर में डे पे ज्यादा दबाव दिया गया है बोलने पे। दूसरा है बच्चों लड़की, पेड़ और लाडला। बच्चों हमने क्या चीज देखी, कि ये वाला जो डे से डमरू वाला है उसमें नीचे बिंदु नहीं है और उसमें बिंदु है, तो बच्चों इसको बोलते हैं हृदय, उसको बोलते हैं हृदय, इसमें एक बिंदु का फर्क आ जाता है। और बच्चों इस वाले जो ये वाला जो होता है हृदय, इसमें कभी भी कोई शब्द या कोई भी वर्ण कभी भी स्टार्ट या कोई अक्षर कभी स्टार्ट नहीं होता। इसका हम शब्द बनाने में आखिर में या बीच में कैसे भी प्रयोग कर सकते हैं, बस इससे कोई भी शब्द कभी या कोई भी वाक्य कभी स्टार्ट नहीं होगा। दूसरा उसी तरह ढ ढ और ये ढ, इसमें भी देखो बच्चों इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे नीचे एक बिंदु है, उससे भी कभी भी शब्द, इससे भी बच्चों कभी शब्द स्टार्ट नहीं होगा। और जैसे कि ढ से ढक्कन से तो यहाँ पे हो रहा है, तो उसमें नीचे बिंदु नहीं है, ये ढ है और ये ढ है। तो इसके शब्द पढ़ते हैं बच्चों ढ से ढक्कन वाले के, ढकना,
ढोल, ढेर और ढक्कन। और उसका अधिकरण है का बच्चों? ढूंढना, पढ़ना, डेढ़ और सीढ़ी। तो बच्चों आज हमने ये कहानी पढ़ी माँ का प्यार। इसमें हमने देखा कि माँ अपने बच्चों को किस प्रकार प्यार करती है और हम इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी किस प्रकार अपने बच्चों को प्यार करते हैं। बच्चों हमने इसके आज क्वेश्चन आंसर और ये व्याकरण बोध किया है, इसके शब्दार्थ पढ़े हैं। अगली क्लास में अगली चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।